पवन सिंह ने मदद नहीं की श्याम देहाती की। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अब ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। खुद पवन के कई फैंस ये पूछ रहे हैं कि पवन सिंह के लिए भी श्याम देहाती ने कई गाने लिखे थे, लेकिन श्याम देहाती के अंत समय में और फिर उसके बाद जब उनकी मौत भी हो गई तो भी पवन सिंह उनके परिवार से मिलने क्यों नहीं गए। तो यहाँ पर आज हम कुछ बातों का खुलासा कर रहे हैं। सोर्सेस की माने तो पवन सिंह आरा में हैं और वो जल्द ही उनके परिवार से मिलने भी जाएंगे। यहाँ हम आपको ये बता दें कि श्याम देहाती की जब हालत बहुत ही क्रिटिकल थी तब उनके संपर्क में सिर्फ खेसारी थे, खेसारी का जो पीआर टीम है वो थी, उनके मैनेजर थे, लेकिन खेसारी भी डायरेक्टली श्याम देहाती के टच में नहीं थे। उन्हें श्याम देहाती की खबर मिलती रहती थी। श्याम देहाती मुंबई से प्रयागराज आशिकी फिल्म की शूटिंग जहां हो रही थी वहां वो खेसारी से मिलने गए थे। फिर उसके बाद वो वहां से उनकी तबीयत खराब होने लगी और वो लौट कर अपने गांव आ गए। इस बात की सूचना खुद संजय पांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दी। अब हम आपको ये बता दें कि श्याम देहाती को पहले से ही टीवी था, जिसे श्याम देहाती ने इसमें काफ़ी लापरवाही बरती। ये लापरवाही इतनी ज़्यादा हुई कि जानलेवा साबित हो गई। इसे बाद में कोरोना का नाम दिया गया। इस तरह से मौत के सिम्टम थे श्याम देहाती के, उसे देखकर यही लगा कि उन्हें भी कोरोना हुआ है, लेकिन बाद में ये क्लियर हो गया कि श्याम देहाती को कोरोना नहीं था, श्याम देहाती की मौत की वजह कुछ और ही थी। उसके बाद जब ये कोरोना की बात उठी थी तो आप सभी को पता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग उससे मिलने जुलने नहीं जाते, उसके परिवार से मिलने जुलने फ़िलहाल नहीं जाते, क्योंकि अगर वहाँ कोई संक्रमित व्यक्ति रहा तो उससे लोग संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन अब जब ये सब कुछ क्लियर हो गया है तो पवन सिंह जल्द ही श्याम देहाती की फैमिली से मिलने जाएंगे। हो सकता है कि श्याम देहाती की फैमिली को वो आर्थिक मदद पहुंचाने की भी बात करें। वैसे ये बात सभी जानते हैं कि श्याम देहाती ने अपनी फैमिली के लिए अपने पीछे काफ़ी कुछ छोड़ कर गए हैं। हाँ, ये बात और है कि जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, तो हो सकता है पवन सिंह कुछ मदद की भी बात करें। इसे लेकर अभी काफ़ी कंफ्यूजन है, लेकिन एक बात तो तय है कि श्याम देहाती के परिवार से मिलने जल्द ही पवन सिंह जाएंगे। और पवन सिंह ने उनके भतीजों से डायरेक्ट बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पहले उन्हें कॉल कर सकते हैं बेझिझक। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि पवन सिंह आगे क्यों नहीं आए, क्योंकि पवन सिंह इन सब बातों को लेकर सीधे लाइव नहीं आते हैं, वो लगातार इस तरह के बातों को लेकर कभी मीडिया में बोलते तक नहीं हैं, तो इससे लोगों को लगता होगा कि पवन ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह की तरफ से उनकी पीआर टीम और उनके मैनेजर ने डायरेक्ट उनसे संपर्क भी किया था, उनके परिवार वालों से, उनके भतीजों से, और उनके भतीजों से सीधे पवन सिंह ने भी बात की थी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।